नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 52,699 लगभग 53,000 पद आने वाले हैं और 15 जुलाई से आपके इसके आवेदन भी आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो नए बच्चे हैं, जो एक पुलिस भर्ती में अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी तैयारी कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, कोचिंग कौन सी होनी चाहिए, किताबें कौन सी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा इस बार, क्या हमेशा जैसे पूछता रहा है उस प्रकार से पेपर आपका फिर से बनेगा या इस बार कुछ नया बदलाव होगा, पूर्व की भांति कट ऑफ रहेगा या कट ऑफ में कुछ अंतर आएगा, इन सारी बातों को समग्र रूप से हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित समग्र जानकारी आपको इस चैनल पर बहुत विधिवत तरीके से और सारी ही आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, इस बार सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कोचिंग कौन सी होनी चाहिए, किताबें पीडीएफ से स्कोर और आपका टेस्ट क्या होना चाहिए। तो एक सबसे बेहतरीन जो रणनीति हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने कट ऑफ की चर्चा की थी, जो इससे पहले जो कट ऑफ थे आप इसे देख सकते हो कि जनरल का लगभग 225 गया था ये 2018 वाले में। उसके बाद फिर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू कट ऑफ आया था वो आपका जनरल में 215 चला गया था, और इससे पूर्व में जो आपका 31,000 समथिंग टोटल जो आपका 31,000 और 18,000 जो पद थे अलग अलग, उसमें से जो आपका गया था उसमें 185 आपका कट ऑफ गया था, और ये जो आपका नंबर है ये 300 नंबर में आपके 185 के आसपास कट ऑफ गया था। इससे आप आइडिया लगा सकते हो। एक पैटर्न की बात कर लिया जाए तो पैटर्न इसमें इसमें पार्ट होते हैं, और चार पार्ट में जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर बनते हैं वो क्या होते हैं, 38-37, 38-37, मतलब कि अगर आप ओवरऑल करोगे तो 150 क्वेश्चन का होता है और 300 नंबर का आपका पेपर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब आपकी तैयारी करनी है तो तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी वर्ष 2018-19 में भर्ती हुई थी तब आपकी एजेंसी दूसरी थी, टीसीएस ने करवाया था या और भी एजेंसीज थी। अब यहाँ पे इस बार नई एजेंसी आनी है और उसके कराने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मैं आपको एक बात यहाँ पे जोड़कर बता दूं कि जब भी कोई एजेंसी नई होती है तो पेपर एज पर सिलेबस बनता है। जैसे अगर हम पिछले बार के पेपर में बात करें तो एक पार्ट आपका होता है मानसिक अभिरुचि वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मानसिक योग्यता है, हमें इस पार्ट की बात करूंगा, ठीक है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पिछली बार एजेंसी ने क्या किया था, इस सेक्शन से ना के बराबर प्रश्न रखा था, बट इस बार आपके क्या हो सकते हैं, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2020-21 में आपका 21-22 में जो आपका पेपर UPSI ASI वाला हुआ है उसमें भी आपके इस पार्ट से काफी अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। तो इससे डायरेक्ट आइडिया ये लगता है कि जब भी एजेंसी आपकी नई होती है तो नो डाउट आपका क्या होता है कि एज पर सिलेबस बनता है। तो इसका भी महत्वपूर्ण इस बार ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया है। एक बार एक एक सिलेबस को देखें तो सबसे पहला जो सिलेबस आपका है वो जीएस है, और जीएस यूपीपी कांस्टेबल की बात किया जाए तो जीएस रैंडम जीएस पूछी जाती है, जिनमें कुछ पार्ट जैसे आपका यूपी स्पेशल हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, करंट से संबंधित कुछ चीजें हो गई, स्टैटिक पार्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। पारंपरिक पार्ट जैसे हो गया भूगोल हो गया, आपका इतिहास हो गया, आपकी अर्थव्यवस्था होगी, यहाँ से क्वेश्चन कम होते हैं और जो होते हैं वो आपके स्टैटिक पार्ट के होते हैं। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप सिलेबस अच्छे से देख भी लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा आपका समय ज्यादा जाएगा, इसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो आपको एक एक टॉपिक का, एक एक सब्जेक्ट का, जीएस का अलग, रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, मानसिक अभिरुचि का अलग, आईक्यू का अलग, सब कुछ आपको बताऊंगा। दूसरा जो पार्ट आपका आएगा हिंदी आएगा, हिंदी से 37 क्वेश्चन होंगे, 38 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा, 37 क्वेश्चन आपका क्या होगा, हिंदी से होंगे। और हिंदी अगर आप देखो तो एज पर सिलेबस ही आपको तैयारी करनी है, मतलब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषाओं से प्रश्न होगा, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान से प्रश्न होगा, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विरामचिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि, मतलब कि अगर देखा जाए तो इसने किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं है और आपको पूरी कंप्लीट आपको हिंदी यहां पे करनी है। थोड़ा सा यहां पे प्रसिद्ध कवि लेखन एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं से भी प्रश्न अच्छा खासा पूछा जाता है, और विविध जो टॉपिक लिख दिया इसमें पत्र लेखन से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी को भी आपको समग्र रूप से पढ़ना है। दूसरी बात आपकी आती है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये जो आपका दो पार्ट मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 75 क्वेश्चन है,
लेकिन अभी तक क्या होता था इस 75 क्वेश्चन में, मतलब अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं, तो मैथ्स और रीजनिंग में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें रीजनिंग का वेटेज ज्यादा होता था, इससे लगभग 55 से 56 प्रश्न पूछे जाते थे, और बाकी जो बच्चे क्वेश्चन होते थे लगभग 19 से 20 प्रश्न आपके मैथ से पूछे जाते थे। इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदल सकता है कि जो रीजनिंग के 55-56 थे, इसमें रीजनिंग के हो सकता है आपसे लगभग 40 ही क्वेश्चन पूछा जाए, या हो सकता है मैथ को 25 बढ़ाया जाए, रीजनिंग आपका कितना किया जाए, रीजनिंग आपका क्या यहाँ पे 35 क्वेश्चन का रहे, और बाकी जो पार्ट है यहाँ पे आपकी मानसिक अभिरुचि वाला, जो मानसिक अभिरुचि टॉपिक से यहां से प्रश्न इस बार बनने की संभावना ज्यादा है, तो इस टॉपिक को आप इस बार इग्नोर मत करिएगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो इस टॉपिक को इग्नोर करके चल रही हैं, या एक दो साल से बैच चला रही है, स्टिल इस टॉपिक को पढ़ाया ही नहीं गया है। तो उसका भी कारण ये है कि भाई देखो, आजकल आप लोग भी क्या देखते हो कि जहां पे भीड़ ज्यादा है उसके पीछे आप लोग भगते हो, एक भेड़ चाल वाली आप लोग के भी सीन हो गई है कि जहां पे भीड़ ज्यादा है वो ज्यादा सही होगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं अगर आपको बताऊं तो वर्ष 2012-13-14 से कोचिंग जो पढ़ा रही है वो कोविड का फायदा लेके कहीं ना कहीं भीड़ लेके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, जो 2017-18 उनमें बंपर वैकेंसी आई थी आपकी, कांस्टेबल की भी आई थी, आपका शिक्षक भर्ती में भी आया था, उसके बदौलत उनके पास अगर देखा जाए तो वो भीड़ आपको देखने को मिलती है, बट क्या क्वालिटी उतनी है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलने वाला, बट आप ऐसे समझो कि इस बार इसमें से थोड़ा सा पैटर्न आपका अलग हो सकता है, यानी कि अगर यहां पे 60 क्वेश्चन यहां पे है तो लगभग 15 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से भी पूछा जाएगा, और इसको भी आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो मैथ्स का पार्ट हुआ, मैथ्स में एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपका अरिथमेटिक पार्ट ज्यादा रहता है, एडवांस नहीं रहता है, और अरिथमेटिक को ही आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। मैथ्स की तैयारी मैं आपको खुद करा रहा हूं, और एक ही क्वेश्चन इससे पूर्व भी हमने यूपीएसआई एएसआई में, अगर आप पेपर मिला लोगे हमारे क्लास के क्वेश्चंस देख लोगे, हूबहू क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से आपको डेटा भी, मतलब कि थोड़ा डेटा केवल चेंज है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही रखा गया है। तो इस बात को तो मैं आपको एश्योर कराता हूं कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, किसी भी संभाग से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, इस बात की गारंटी है कि पेपर में आपके इन टॉपिक से या क्लास से या नोट्स से या प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। अगर यहां पे देखा जाए, ये मानसिक मेंटल एबिलिटी के बात किया जाए, मानसिक योग्यता परीक्षा, ये मैथ्स वाले पार्ट में है। मैथ्स वाले पार्ट में आधा आपका क्या है, मैथ्स है, आधा आपकी रीजनिंग है। जैसे आपका लॉजिकल डायग्राम रीजनिंग का टॉपिक होता है, परसेप्शन टेस्ट आपका रीजनिंग का टॉपिक होता है, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, लेटर नंबर सीरीज हो गया, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी हो गया, उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण हो गया, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, प्रभावी तर्क हो गए, तो इन सबको मिला लिया जाए। अच्छा, इस पार्ट के अगर डीआई को उठा के हम लोग मैथ्स में देखें तो वहां पे भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछाने की संभावना है। इस प्रकार से रीजनिंग भी आपका लगभग 35 लगभग, और मैथ्स भी आपका 30, तो लगभग लगभग मैथ्स और ये बराबर हो जाएगा, बाकी पोर्शन आपका बुद्धि लब्धि और किससे, मानसिक अभिरुचि से पूछा जाएगा। तो इस पोर्शन में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तो आपका जैसे जीएस है, अब जीएस भी पढ़ने का तरीका बिल्कुल आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि ये सेशन ही मैं आपको कैसे करें तैयारी पे बना रहा हूं, तो ये बताना मेरा कर्तव्य है कि आपको अगर जीएस भी पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप ये सोचो कि मैं कन्वेंशनली पढ़ूं, मैं कोई मोटी मोटी किताब उठा लूं, किसकी पढ़ने के लिए, मैं विज्ञान की मोटी किताब उठा लूं, मैं फिर इतिहास की मोटी किताब उठा लूं, मैं लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कवर करने लगूं, तो फिर आपका यूपीपी नहीं होना है। यूपीपी निकालने के लिए आपको कम समय में ज्यादा बेहतरीन रणनीति के साथ करना है। मैंने देखा है 2-2 साल 3-3 साल से लगातार बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी उनका कांस्टेबल नहीं निकलता है, और 2-3 महीने में बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसका निकल जाता है। उसका कारण ये है कि उसके पास रणनीति बेहतर होती है, उसके पास एक रिसोर्स अच्छा होता है, उसके पास जो कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब वो चाहे क्लास का हो, वो चाहे नोट्स का हो, वो चाहे आपकी किताबें हो, बुकलेट हो, ई बुक हो, सब कुछ जो कंटेंट है ना, वो बहुत परिपक्व होता है, बहुत मैच्योर होता है, और एज पर सिलेबस और कहां से पूछा जाना है। क्योंकि एक बात समझना, मैं आपको 1000 पेज का नोट्स दे दूं और बोलूं कि आप इसे पढ़ लो, ठीक है, तो 1000 पेज में से निश्चित रूप से भाई जब मैंने उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं, जो भी सामान्य ज्ञान है मैंने सब उसमें डाल दिया, जो भी रीजनिंग मैंने सब डाल दिया, जो भी हिंदी है सब लिख दिया, तो फिर मैं इस बात को तो दावा कर ही सकता हूं कि भाई मेरे से ही फंस गया है। लेकिन बुद्धिमानी उसमें नहीं होती है। आप ये बताओ कि अगर मैं आपको 1000 पेज का नोट्स दूं उसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाए, और मैं आपको 100 पेज का नोट्स दूं उसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाए, तो ज्यादा बुद्धिमानी किसमें है, इस 100 पेज के नोट्स में ये नोट्स अच्छा बोला जाएगा, ये
1000 पेज नोट्स अच्छा नहीं बोला जाएगा। और आजकल की कोचिंग है या आजकल के लोग यही कर रहे हैं, मैंने प्रायः इस बात को नोटिस किया और देखा भी है। जैसे एग्जाम हो जाते हैं आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, हमारे से ये फंसा, देखो हमने ये कराया था, देखो। जब आप कुछ छोड़ोगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है वहां से फंस जाएगा। आप भाई अगर आप कोचिंग संस्थान का मतलब क्या होता है, क्या कोचिंग संस्थान खुद मेहनत करके सिलेक्शन लेती है? नहीं। क्या बच्चे की जगह पे वो पढ़ती नहीं? क्या बच्चे जगह पे पेपर देने कोचिंग संस्थान जाती? बिल्कुल नहीं। पढ़ना तो आपको ही है, कोचिंग संस्थान के अलग अलग टीचर, लाइक मैं अपनी ही बात कर लूं, बहुत जेन्युइन सी बात करूंगा, मैं मैथ्स हूं का टीचर हूं अगर, तो मुझे मैथ्स ही तो अच्छी आएगी ना, मुझे जीएस तो अच्छी नहीं आएगी, मुझे हो सकता है रीजनिंग अच्छा कर ले जाऊंगा बट हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आएगी। बट अगर आपके ऊपर देखा जाए तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है और आपको हिंदी भी पढ़ना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे पेपर, जब अभी हाल में वेडर एग्जाम का हुआ, बच्चा 2 घंटे में वही पेपर सॉल्व कर रहा है, कोचिंग वही पेपर पाके उसके बाद एसी रूम में बैठ के 10-10, 12-12 लोग की टीम बैठ के आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लगा देती है उस पेपर को सॉल्व करने में। फिर आप बच्चे से बोलते हो कि पेपर आसान था, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस पेपर को आप इतने इस टेम्परेचर में इस टेम्परामेंट के साथ 1-1.5 घंटा लगा दिए हो, 15 लोग मिलके, अकेले बच्चा उसे कैसे कर देगा? तो ये केवल अपने ऊपर बोले ना कि हमने सारा फंसा दिया, हमने करवा दिया, ढिढोरा पीटने का कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये बात से आप भी बच्चे नहीं हो, इस बात को जानते हो। तो आपके पास कंटेंट संक्षिप्त तो होना चाहिए। आप कूड़ा कंटेंट पढ़ोगे, पढ़ते चले जाओगे, 1000 पेज का नोट्स पढ़ने में क्या समय नहीं लगता? ऐसा थोड़ी कि आप घोल के पी लोगे और तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपको सारा ज्ञान आ जाएगा। आप सबसे जो बेहतरीन रणनीति होती है कि आप कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और बार बार पढ़ो। कहने का मतलब यह है कि रिवीजन बार बार करो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो। 10 किताबें पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस मेंटेलिटी के साथ, इस आपको स्ट्रेटेजी के साथ आगे आपको बढ़ना है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा में जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण किसके प्रति? पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, कम्युनल हार्मनी के प्रति, क्राइम कंट्रोल कैसे होना चाहिए, रूल लॉ क्या है, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी अनुकूलन की क्षमता क्या है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल, व्यावसायिक सूचना, उसके बाद पुलिस सिस्टम के बारे में। पिछली बार भी पुलिस सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन वो जीएस में उठा के डाल दिया गया था, वो आपका इसमें रीजनिंग वाले पार्ट में, मानसिक अभिरुचि वाले पार्ट में नहीं पूछा गया था। बट इस बार आपके ये जो सारे क्वेश्चन हैं इससे पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो इस बार आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, इस बात को आप समझ लो। और अगर आप थोड़ा सा भी मेरे बातों में आपको सच्चाई लग रही हो, विश्वास लग रहा हो, तो एक बात नोटिस कर लेना कि जितना मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। और जब आप परीक्षा में बैठोगे तब आपको मेरी बात याद आएगी, हाँ आलोक सर ने ये बोला था और बिल्कुल वैसा ही पेपर में हुआ, ये अनुभव बोल रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद बुद्धिलब्धि आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट बेसिकली रीजनिंग ही बोला जाएगा, ठीक है, बट इसमें टॉपिक इन्होंने अलग कर दिया है। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण हो गया, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट हो गया, इसमें डायरेक्शन सेंस हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट हो गया, टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया, उसके बाद चार टाइप टेस्ट हो गया, इसमें भी मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण और अरेंजिंग इन ऑर्डर थोड़ा बहुत कर दिए। इसके बाद आती है आपकी कोर रीजनिंग, और कोर रीजनिंग में वही वर्बल और नॉन वर्बल वाले सारे आपके पार्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली 4 पार्ट है, बट 4 पार्ट ना बोल के इसे मैं 5 पार्ट बोलूंगा। आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, मानसिक अभिरुचि है, जीएस है और इसके बाद हिंदी है। और जीएस में भी आपका एक पारंपरिक है और दूसरा आपका स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट में भी आपके कुछ करंट से संबंधित हैं, कुछ आपके कोर पार्ट से संबंधित हैं। अगर आप ऐसे फिगर आउट करके पोर्शन को रेडी करोगे, तैयार करोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं क्या सर 3-4 महीने में पॉसिबल है सिलेक्शन लेना? मेरा हाँ है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास मार्गदर्शन अच्छा मिलना चाहिए और आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आप एक रणनीतिक तरीके से तैयारी करोगे तो निश्चित है, अन्यथा शायद 2-3 साल कम पड़ता है यूपीपी के परीक्षा निकालने के लिए। फिर भी 53,000 वैकेंसी है तो नो डाउट बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना है कि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं लगातार इस बात के लिए कि कब वैकेंसी आएगी और कब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, कब हम अपना सिलेक्शन लेंगे। तो 2-3 पैरामीटर हैं, 2-3 ये किताबें हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो आपको टीम परीक्षा प्लस उपलब्ध कराने वाली हैं, लेकिन 2-3 पैरामीटर हैं। पहली बात तो
पांच साल बाद आपका फिर से होना चाह रहा है, होने जा रहा है पेपर, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं। सरकार से हम लोग एज रिलैक्सेशन का गुहार लगा रहे हैं, और एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए। एज रिलैक्सेशन वो खुद दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो मैं अपने दम पे इस बात को कह रहा हूं कि जैसे यूपी एएसआई में हमने पूरी चीजें पलट के सब कुछ उनका दोबारा लिस्ट निकलवा के उनके साथ भर्ती बोर्ड खड़े होकर और सारी बात मनवाई थी, आपका इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिलवाएंगे भर्ती बोर्ड जाके, इस बात का आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन फिर भी एक बात समझना, वो कितना दे देंगे, एक साल का दे देंगे, दो साल का दे देंगे, वो आप अगर उम्मीद करो तीन साल चार साल पांच साल का दे दें तो वो नहीं, ये पूरा का पूरा गैप नहीं कवर करेंगे, मैक्सिमम एक साल या दो साल का दे देंगे। तो एज रिलैक्सेशन अगर वो देंगे भी देंगे तो कितने का दे देंगे, वो मैक्सिमम एक साल का दे देंगे, तो भी वो जो चार साल का बच्चा है बीच में, ये तो ओवर एज हो गया। अगर ये ओवर एज हो गया तो जो नए बच्चे हैं इनके लिए क्या हो गया, इनके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि जब सब फ्रेशर हैं तो सबको नई चीजें पढ़नी है, सबको नए तरीके से पढ़नी है, सबका दिमाग लगभग एक तरीके से है, और सब एक ही क्या है, एक ही सिचुएशन में है भी। इस बात को समझना, अपनी अपनी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर आप सोच रहे होगे कि भाई अगर ओबीसी का है तो उसे पांच साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो उसको ले तो क्या ओवर एज, तो ओबीसी भाई ओबीसी में भी जैसे आप देखते हो या एससी एसटी में भी देखते हो कैटेगरी वाइज, वो भी अपने अनुसार तो ओवर एज हो ही गए ना, तो नया ओबीसी का बच्चा उनका जगह लेगा। तो बस आप इस बात को समझो कि ये फिलॉसफी सबके लिए कॉमन है, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कम होगा। दूसरी बात, लगभग 53,000 वैकेंसी है, तो वैकेंसी इतनी ज्यादा है, नए बच्चे हैं, तो ये सारा काम क्या करता है, आपके कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे लाने का प्रयास करता है। इसलिए अगर आप सेफ स्कोर मुझसे पूछोगे तो मैं इतना बोलूंगा कि अगर अभी आप 100 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपको करने के लिए। इससे मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी 3 महीने में, वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे आपको सेफ स्कोर गेन करना है। बाकी आपको कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए रिसोर्सेस क्या होनी चाहिए, तो टीम परीक्षा प्लस उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन किताबें निकाल रहे हैं। लेकिन ये किताबें आपको किसके फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में मिलेंगी, किसके फॉर्म में मिलेंगी, ई बुक के फॉर्म में मिलेंगी, मतलब कि पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी, ताकि आप किसी भी ऐसे बड़े वाले फोटो शॉप के दुकान पे जाओ, जो बड़ी वाली मशीनें होती है वहां से प्रिंट आउट कराओ, तो सब अगर आप इसे प्रिंट करा लोगे तो मुश्किल से 400-500 रुपए में सारी की सारी किताबें प्रिंट हो जाएंगी। हर किताब अपने में 60-70 पेज की है, इससे ज्यादा का कंटेंट बनाया ही नहीं गया है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा ओवरलोड हो और आप उसे केवल पढ़ने में रह जाओ, उसे आप रिवाइज ना कर पाओ या फिर आप उसे कंज्यूम ना कर पाओ। तो ये आपकी ई बुक रहेंगी। साथ में ही आपको ये ई बुक कहां पे मिलेगी, तो टीम परीक्षा प्लस इसके लिए एकदम टारगेट बैच, डेडिकेटेड बैच निकाल रहा है, जिसमें आपको मात्र 399 जो आपको दिख रहा है, इसकी भी हकीकत मैं बता दूं 340 प्लस जीएसटी इस बैच में। जीएसटी क्योंकि बच्चों हम लोग को भी देना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जीएसटी इंक्लूड रहती है, हर चीज में होती है, ये सरकार ही ऐसी है। तो 340 प्लस जीएसटी मतलब 399, 400 रुपए भी ढंग से आपका नहीं होगा, वो भी 80% डिस्काउंट के साथ आपको इसमें उपलब्ध हो रहा है। इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस और उसकी रिकॉर्डेड मतलब कि जो आपकी लाइव होगी वही आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाएगा, आप उसे कई बार देख सकते हो, आप उसे कई स्पीड में देख सकते हो, 2-3-4 तक की स्पीड में देख सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हो, और आपकी जो वैलिडिटी होगी कोर्स की वो एग्जाम के डेट तक होगी, मतलब कि आप जब तक एग्जाम नहीं दे लोगे तब तक आपके कोर्स में वो आपके ऐप में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। कोर्स कहाँ से लेना है, ये परीक्षा प्लस ऐप से लेना है। इसमें आपको क्लासेस के साथ साथ ये जो मैंने आपको ई बुक दिखाया ना, ये भी आपको मिलेगा। साथ में ही हम टाइम टाइम पे आपको सेक्शनल टेस्ट कराते रहेंगे कि जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे उस टॉपिक पे आपका टेस्ट होता जाएगा, कि आप जो क्लास पढ़ रहे हो, जो नोट्स पढ़ रहे हो, वहां से आपका कुछ कंज्यूम कर पा रहे हो, कुछ आपको स्मरण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बस भूलते जा रहे हो, तो वो सेक्शनल टेस्ट भी होगा। उसका भी कि आपकी व्याख्यात्मक हल्की पीडीएफ भी दी जाएगी, उसके बाद क्लास की पीडीएफ तो आपको अलग से दी ही जाएगी, लास्ट में हम लोग एमसीक्यू सेशन भी बीच बीच में कराते रहेंगे। इसके अलावा विषयवार संपूर्ण सिलेबस हेतु रणनीति और मार्गदर्शन तो आपके साथ है ही है। जनरली कोचिंग क्या करती हैं, जनरली कोचिंग बोलेंगी कि 500-600-700 में हम कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन वो केवल आपको क्या देंगी, वो केवल आपको लाइव क्लासेस देंगी, और लाइव क्लासेस में भी कुछ क्लासेस जो पुरानी रिकॉर्डेड है, पुराने बैच में चला है उनका, यूपी कांस्टेबल 1.0, फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन सा ये बैच, संभव बैच, पता नहीं कौन सा बैच होता है, परिणाम बैच, इन सब बैचों से उठा उठा के क्या
क्या करते हैं, यहां से वही पुराना ही कंटेंट अपलोड कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे ये आपकी क्या हो गई है, लाइव हो गई है। तो मतलब मेहनत तो उन्हें फिर से दोबारा करना नहीं, उन्हें क्या पता जो बच्चा आ रहा है वो नया आ रहा है, वो फ्रेशर आ रहा है, उन्हें इससे मतलब नहीं है, उन्हें तो बाकी यूट्यूब पे भीड़ से मतलब है, वो एमसीक्यूज कराते जा रहे हैं। अरे भाई जो नया बच्चा है उसे आप कॉन्सेप्ट नहीं समझाओगे, वो सही से पढ़ेगा नहीं, उसके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, तो होगा क्या, होता क्या है कि आप लोग भी थोड़ी बेवकूफ़ी करते हो, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखते हो वहाँ चले जाते हो, फिर आप डाउट्स के लिए हमारे पास आते हो कि सर डाउट्स हमारा क्लियर कर दीजिए, जहाँ पे आप जुड़े होते हो वहाँ से नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं जुड़े अलग होंगे और उसके बाद डाउट्स हमसे क्लियर करवाएंगे। भाई जिनके पास यूट्यूब पे ही उनको एमसीक्यू कराने की भीड़ बटोरने और उनके कमेंट में हाय ज्योति हाय ये चल रहा है, उनको डील करने का मौका नहीं है, तो फिर वो डाउट कैसे क्लियर करेंगे। इसलिए आपको टीम परीक्षा प्लस अलग से ही पूरा डाउट सेशन का पूरा ग्रुप ही देता है कि आपके जो भी डाउट्स हों वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आपकी तैयारी के लिए एक चीज समझना, कैसे करें तैयारी में, इसीलिए आपको बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले तो क्लास पे फोकस करना है, केवल क्लास से भी काम नहीं बनेगा, जो आपको बुक दी जा रही है इस बुक को पढ़ना है, आपको क्लास की पीडीएफ पढ़नी है, क्लास नोट्स पढ़ना है, और इसके अतिरिक्त आप टेस्ट लगाओगे, ये चारों चीज जब आपका कंप्लीट होगा तब आपकी तैयारी क्या हो पाएगी, समग्र हो पाएगी। भले ही 53,000 वैकेंसी है लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप इसे हल्के में ले लो, कंपटीशन में मैं इतना तो बोल रहा हूँ कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन पढ़ना तब भी आपको पड़ेगा, बिना पढ़े आपका काम नहीं होगा, और थोड़ा सा सावधानी से और थोड़ा सीरियस मोड में पढ़ना पड़ेगा, मजाक मोड में सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप कोर्स से जुड़ना चाह रहे हो तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, सेफ स्कोर मैंने आपको बता ही दिया है ना, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आप जाओगे कोर्सेज में जाओगे तो आपको यूपीपी कांस्टेबल 2.0 का बैच लगा मिलेगा, उसे आप परचेज कर लो। आपकी 3 जुलाई से ये क्लासेस आपकी प्रारंभ हो रही है और इसका टाइम टेबल भी संडे को आपको दे दिया जाएगा। हम शुरुआत में बहुत ज्यादा लोड आपको नहीं देंगे क्योंकि रणनीतिक तरीके से पढ़ाने वाले, 2 क्लास मैक्सिमम और उसके बाद उसी के नोट्स रटाएंगे, फिर उसी के टेस्ट लेंगे, फिर हम 2 क्लास एक्स्ट्रा, फिर आपका उसी का नोट्स उसी का क्या हो जाएगा टेस्ट होगा। मतलब आपके बिना दिमाग पे लोड हुए, बिना आपको एक्स्ट्रा प्रेशर दिए हुए आपकी तैयारी भी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। जिम्मेदारी मैं आपके एक सिलेक्शन के लेता हूं कि आप अगर इतना, और आपको भी एक ही सीट तो चाहिए भाई, 53,000 की 53,000 सीट आपको नहीं चाहिए, आपको केवल एक सीट पर सिलेक्शन लेना है। और जब आप ये बोलने लगो कि अगर मैं पूछूं कि वैकेंसी कितनी है 52,699, आप मुझसे बोलो नहीं सर 52,698 वैकेंसी है, एक वैकेंसी तो मैंने इसमें क्या कर लिया है, एक पद तो मैंने ले लिया है, तो वो पद क्या हो गया यहां पे कम हो गया। तो इस सोच के साथ अपनी तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। उम्मीद है सेशन से आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप अपनी तैयारी आगे भी कर पाओगे। कोर्स से जुड़िए, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराने वाले हैं। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोर्स परचेज करने में कोई समस्या आती है तो नीचे नंबर लिखे, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, यहां से आप हमसे बात कर सकते हो, जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।